सम्राट अशोक के मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने दिख रही थी, लेकिन एक बार फिर कॉमन सिविल कोड के मसले पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई। उत्तराखंड के बाद यूपी में कॉमन सिविल कोड बीजेपी लागू करने जा रही है। इस मसले को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या तो है नहीं जो निदान करने के लिए नई बात की जाए। बिहार में नए सिरे से कोई नया कार्य करने जैसी कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो सकता, बिहारवासी आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं तो यहाँ लागू होने की बात कहाँ से उठ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हिंदुस्तान तो विभिन्न अदाओं से भरा हुआ देश है, यही विस्तृत रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यहाँ की विरासत भी मिली जुली है, यही संस्कृति लागू है और हमारे देश की यही संस्कृति खूबसूरती भी है। इस खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या मतलब, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान तो विविधताओं से भरा हुआ देश है और यही जो विस्तृत रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि जो हमारी रही है विरासत मिली जुली, तो इसके आधार पे जो हमारी संस्कृति बनती है वही संस्कृति हिंदुस्तान की संस्कृति है और यही हमारी खूबसूरती भी है। तो इस खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या कारण है? हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है, और छेड़छाड़ की नहीं जरूरत है तो जो चल रहा है बहुत बेहतर है। देखिए, बिहार में सब लोगों को मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या तो है नहीं कि जिस समस्या का निदान करने के लिए कुछ नई बात की जाए। तो यहाँ नए सिरे से कोई नई बात की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।